नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे क्या कद रखते हैं, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि राज ठाकरे की एक आवाज पर अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार हटा लिया है। बीजेपी सिंधे खेमे से मैदान में उतरे मुरजी पटेल ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ये बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। बीजेपी ने ये बड़ा त्याग किया है, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के परम मित्र की अपील को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा फायदा छुपा है। जी हाँ, इससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है बीजेपी को और एकनाथ शिंदे को, और ये उद्धव ठाकरे के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से पत्र लिखकर विनम्र निवेदन किया था कि आप अंधेरी विधानसभा सीट पर चुनाव ना लड़ें। राज ठाकरे का ये कहना था कि इस सीट पर रमेश लटके विधायक थे, उनके निधन के बाद रमेश लटके की पत्नी इस पर चुनाव लड़ रही हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस सीट से चुनाव ना लड़ें, ऐसा करके आप उनकी पत्नी को विधायक बना सकते हैं और ये दिवंगत को श्रद्धांजलि होगी। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इस पत्र के जवाब में ये कहा था कि राज ठाकरे ने अच्छी भावना से मुझे ये पत्र लिखा, लेकिन फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, पार्टी के सभी बड़े नेताओं और सीएम से बात करके ये फैसला लिया जाएगा। और अब बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी और शिंदे गुट ने इस चुनाव से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हालांकि बीजेपी की सोची समझी रणनीति बताई जा रही है, क्योंकि अंधेरी ईस्ट सीट के सियासी समीकरण उद्धव गुट की उम्मीदवार के पक्ष में बन रहे थे। रमेश लटके की मौत से उपजी सिंपैथी को देखते हुए ऋतुजा की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। एनसीपी और कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे दिया था, जिसके चलते बीजेपी शिंदे ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और ऐसा करके बीजेपी की ही जीत हुई है। क्योंकि अगर बीजेपी यह चुनाव हार जाती तो उद्धव ठाकरे इस जीत से अपने पक्ष में माहौल बना सकते थे और इस चुनाव के बाद होने वाले बीएमसी चुनाव में बड़ा लाभ उद्धव ठाकरे को मिल सकता था। लेकिन बीजेपी ने अंधेरी सीट से नामांकन वापस लेकर उद्धव ठाकरे के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हालांकि दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो।